आज बनाते हैं चिकन का भुना। ये चिकन कीमे से बनता है। ये मैंने घर के बनाए हुए नान से सर्व किया है। नान की रेसिपी भी मैं आपको जल्द शेयर करूंगी। सो आइए पहले चिकन का कीमा बनाते हैं एकदम ढाबा स्टाइल। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है। ये वही तेल है जो मैंने बिरयानी के लिए आपको बताया था, अनियन वाला तेल है ये मेरा। ये बहुत ही फ्लेवरफुल है। इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा, आप नॉर्मल तेल भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर ज़ीरा डालना है, तेज पत्ता और दालचीनी। बस इसे थोड़ा सा स्प्लैटर होने देंगे और हम चॉप किए हुए अनियंस इसमें ऐड करके थोड़ा भून लेंगे। ये बहुत ही इजी कम इंग्रेडिएंट वाली डिश है, क्योंकि चिकन है इसमें हम ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करेंगे। जो टमाटर और मिर्ची मैंने दिखाया उसका हमें पेस्ट बना लेना है। अब मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है, धो के छन्नी में रखा था ताकि सब पानी निकल जाए इसका, क्योंकि चिकन फिर भी अपना खुद का एक पानी छोड़ता है। सो इसे भून लीजिए अच्छे से जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। हार्डली 2 to 3 minutes हाई फ्लेम पे लगता है। देखिए कलर चेंज हो गया इसका। फिर कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि इसका जो पानी है वो हमें सुखाना है। सूखने के बाद आप इसमें हल्दी डाल के थोड़ा सा भून लीजिए अराउंड 2 minutes, ताकि जो भी चिकन की एक स्मेल है और हल्दी की भी जो कच्चापन है वो दोनों मिलके इसमें भूनने में चला जाए और हमारा चिकन एकदम खुशबूदार बन जाएगा। बस 2 मिनट और इसे हम भून लेंगे और इसमें हमारे पहले सूखे मसाले डालेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। ये मैंने कश्मीरी डाली है कलर के लिए, क्योंकि मैं पीसने में भी मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ, इसलिए ज़्यादा तीखा ना हो जाए, ये बस ध्यान रखिए आप। टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया था ये इसमें ऐड कर दिया। ये सब फास्ट आंच पे हो रहा है। फास्ट आंच का ये फायदा होता है कि जो भी कच्चापन है वो फटाफट दूर हो जाता है। जो भी मॉइस्चर है आप तेज आंच पे पहले भूनिए और बाकी जो भी प्रोसेस है आप उसको स्लो आंच पे करिए। बस भूनने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा आप तेज आंच पे करके, जैसे चाइनीज वाली भी कुकिंग होती है, वो मेन उसका आइडिया होता है हीट। वो हीट से जो पकना चाहिए पहले वो पक के फिर आप इसे स्लो पे छोड़ दीजिए। ये पानी छुटा हुआ जो भी निकला है मैंने इसे थोड़ा 10 मिनट रख दिया था, क्योंकि चिकन फ्राई भुनने में ही गल जाता है। फिर मैंने इसे 10 मिनट के लिए ढक के पकाया। जो भी स्टीम का पानी है वो इसमें जाने दीजिएगा, क्योंकि वही पानी है और हम पानी ऐड नहीं करेंगे। सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिए और फिर हम इसमें थोड़ा सा अपना घर का गरम मसाला ऐड करेंगे। चिकन है इसलिए मसालों का पोषण आप ज़रा ध्यान से डालिए, क्योंकि और चिकन और मटन के बीच में यही फ़र्क होता है। मटन में आप अच्छे से मसाले डाल सकते हैं तो फ्लेवर उठ के आता है। चिकन में आप जितना कम डालेंगे तो चिकन का फ्लेवर उतना उठ के आएगा। इसमें आप हल्का सा लेमन जूस ऑप्शनल है, आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा चटपटा ढाबा स्टाइल वाला लगेगा। वहाँ वो लोग चाट मसाला भी डालते हैं, मैंने उसके बदले नींबू का रस डाला है। बस बन गई और ये देखिए घर के बनी हुई नान के साथ मैंने इसे सर्व किया है। नान की रेसिपी मैं कल आपसे शेयर करूँगी। सो ट्राई करके ज़रूर देखिए, बहुत ही यमी और एकदम लगता है कि आप बाहर से मंगाया हुआ डिश जो लोगों को पसंद आता है। सो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे रेसिपी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आई होप आई विल सी यू अगेन टुमारो विद अ न्यू रेसिपी। सो टेक केयर, बाय बाय।